हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज प्रदेश का बजट पेश किया है। इनेलो इसको किस तरह से देखती है, इस समय मेरे साथ है इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा। इनसे जानते हैं कि इस बजट को किस तरह से इनेलो देख रही है। ये बजट पूरी तरह से दिशाहीन बजट है। प्रदेश के अंदर आज किसान की हालत बहुत बुरी है। किसान की फसल के रेट नहीं मिल रहे, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पे जो फसल खरीदी जाती है वो पूरा उनको रेट नहीं मिल रहा, कर्मचारियों को पंजाब के बराबर वेतन नहीं मिल रहा, व्यापारियों की मंदी से उभारने का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया। तो पूरी तरह से दिशाहीन, किसी भी वर्ग को इन्होंने इसमें कोई राय देने का काम नहीं किया, केवल और केवल आंकड़ों का बजट पेश किया। और किस प्रकार से आंकड़ों का हेरफेर है कि पिछले साल का जो बजट कैप्टन अभिमन्यु जी ने पेश किया था उसमें राजकोषीय घाटा इन्होंने दिखाया था 14,000 करोड़ के लगभग, जबकि कैग की रिपोर्ट में उसमें 31,000 करोड़ दिखाया। इन्होंने कर्जा दिखाया था बगैर उदय के 1,14,000 करोड़, जबकि कैग ने उसने 1,20,000 करोड़ बताया। तो ये तो मिसलीड द हाउस भी है, प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला बजट है। और जिस बजट का 70% के लगभग रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट, सैलरी और पेंशन में चले जाए, उस पर कैसे विकास की उम्मीद लगा सकते हैं। एक तरफ तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ स्वास्थ्य के बजट को घटा दिया जाता है, एक तरफ 22 गवर्नमेंट कॉलेज खोलने की बात करते हैं, शिक्षा का बजट घटा दिया जाता है। आज किसान की हालत बहुत माड़ी है, उसको कैसे उबारा जाए, इसका होना चाहिए था, कृषि पे बजट घटा दिया। 100 करोड़ SOIL पे देने की बात करते हैं, परंतु प्रधानमंत्री से मिलने का समय नहीं मांगा जाता। तो SOIL के पैसा तो तभी लगेगा जब प्रधानमंत्री केंद्र सरकार उस पर बनाएगी, तो कहीं भी लोगों के राहत का बजट नहीं है। अरोड़ा जी, सरकार जो दावा कर रही है वो कह रही है कि ये जो बजट पेश किया गया है इसमें किसानों को बिजली पानी और बेरोजगारों को रोजगार देने का खास इसमें प्रस्ताव किया गया है। इस सरकार को 2.5 साल बने हुए हैं, पहले सरकार 2.5 साल का ये श्वेत पत्र जारी करे कि कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया। बेरोजगार रोजगारों को रोजगार देने की बजाय उन्हें 3,000 और 6,000 पे 2 घंटे काम करो, 4 घंटे। जिस व्यक्ति का, जिस युवा का फ्यूचर सुरक्षित नहीं होगा, जिसको ये ही नहीं पता कि मुझे कितने दिन नौकरी मिलनी है, कितने दिन रोजगार मिलना है, तो वो कैसे घर चलाएगा। जिसको अपना युवा का अगर फ्यूचर नहीं, जो हमारी नींव है, अगर उसका फ्यूचर सुरक्षित नहीं है, तो मैं नहीं मान सकता कि हरियाणा प्रदेश को कोई तरक्की का होगा। किसान की आपने बात की, आज इसमें कहीं जिक्र किया कि आलू का रेट कितना बढ़ाएंगे, पॉपुलर का रेट सरकार खरीदेगी, खरीदे प्याज खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी, स्पोर्ट प्राइस में 1,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, उसका कहीं जिक्र नहीं। और ये सरकार आई थी भ्रष्टाचार को उठाने के मामले पर, कहा करते थे कि हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर देंगे। आज ग्वाल पहाड़ी के अंदर, जो गुड़गांव के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र करना चाहिए था। अरोड़ा साहब, सरकार दावा कर रही है कि ये टैक्स फ्री बजट पेश किया है। हर बार एक ट्रेंड हो गया है कि बजट में टैक्स नहीं लगाना, बाद में। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी जब बजट स्पीच में अपने भाषण का लोगों का उत्तर देते हुए, ये लोगों को जरूर इंश्योर करें कि आगे कोई टैक्स नहीं लगाएगा। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने FSA घटाने की बात करी, फ्यूल सरचार्ज, पर मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आज मैदे तो थपथपाली, इसको बढ़ाया किसने था? बिजली के रेट आज इतने बड़े हुए हैं, उनको घटाने की बात नहीं करते। आज रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा देते हैं, और जाते जाते आज तो बजट में तो टैक्स फ्री की करते हैं, और कल ही एक्साइज पॉलिसी की, उसमें फौजियों को जो दारू मिलनी है उनके रेट भी बढ़ा देते हैं, तो किस प्रकार से टैक्स फ्री माने इसको। ये थे मेरे साथ इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा। इनका कहना है कि आज वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो दिशाहीन है और इसमें किसानों का कोई ख्याल नहीं रखा गया। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सरकार ने आंकड़ों का खेल किया है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।